किसान साथियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग हुई है। किसानों के बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉबेरी को लेकर होड़ रहता है कि कैसे इसकी प्लांटेशन होता है, कैसे इसका फल की तैयारी की जाती है। और आज की वीडियो में किसान साथियों, मैं पूरा सीरीज चलाऊंगा। इस बात का मैं दावा दे सकता हूं कि इस वीडियो को कोई भी, सीरीज को कोई भी देख के, कोई भी एक नॉर्मल किसान भाई हमारे इस सीरीज को देख के वो प्लांटेशन, इसकी खेती कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए किसान भाई, हम डायरेक्ट चलते हैं अपने सीरीज की ओर। दोस्तों, हमारे बीच में है एक नौजवान किसान, यही किसान है जो स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग की हुए। सबसे पहले तो विकास जी, हमारे यूट्यूब चैनल हेलो फार्मर में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सभी किसान भाइयों को। सबसे पहले जो भी हमारे सामने से किसान भाई देख रहे हैं, उनसे मैं विकास जी से उनके लिए यही सवाल पूछूंगा कि अगर कोई भी किसान भाई स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करना चाहता है तो वो किस हिसाब से खेत की तैयारी करे, विकास जी इस पे आप बताएं हमारे किसान भाइयों को। देखिए, सबसे पहले खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप खेत को कल्टीवेटर से जोतवाइए। उसके दो दिन बाद जब वो थोड़ा सूख जाए, उसके बाद उसको रोटावेटर करा दीजिए। जी सर, एक एकड़ की बात करें तो एक एकड़ में कम से कम आज 25 टाली गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद गिरवाइए। 25 टाली एकदम पूरा अच्छे से कंपोस्ट होना चाहिए। जी सर, उसको आप चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। जी। वो भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें। अब मैं बात करूं सर, जैसा कि मैं आपका पूरा फील्ड देख पा रहा हूं, ये जो एरिया है सर, आप इस प्लांट को कहां से मंगाए, और सर प्लांट को अगर हमारे कोई भी किसान भाई मंगाना चाहते तो कैसे वो आपके डीलर से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से आप मंगा सकते हैं, आप इसके बारे में कुछ सर बताएं। ये मेरा प्लांट जो है एक एकड़ का है। जी, मैंने एक एकड़ इस बार फार्मिंग की है। जी, ये प्लांट मतलब इंडिया में दो जगह मिलता है, पहला पुणे भी मिल सकता है और हिमाचल में मिल सकता है। जी। जिसको जहां से अच्छा लगे वहां से आप प्लांट मंगा सकते हैं। अच्छा, मतलब आपके जो भी नजदीकी में हो, जैसे कि कोई किसान भाई पुणे के पास है, चाहे हिमाचल के पास है, तो वहां से आप मंगा सकते हैं। और भी सर ऑनलाइन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे किसान भाई उनसे बात कर सकते हैं? हाँ, बहुत सारे गूगल पे आप सर्च करेंगे, बहुत सारे नर्सरी वालों का भी नंबर दिया मतलब है गूगल पे। बहुत सारे डीलर्स भी हैं जो ये नर्सरी का व्यापार करते हैं, उनका भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप डिटेल जाके वहां से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सर, एक बेड से दूसरे बेड की क्या दूरी है, और मैं देख रहा हूँ बेड पे, एक बेड में कितने पंक्ति लगे हुए हैं, प्लांट कितने लगे हो, प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी है सर, इसके बारे में सर कुछ बताएं। जी, सबसे पहले इस खेत को तैयार करने में लिए पानी का निकलना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, मतलब वाटर लॉगिंग नहीं लगनी चाहिए, जल निकास अच्छे से हो जाना चाहिए। इसमें एक मीटर का बेड बनाया जाता है। जी। और इस पे तीन पौधे आते हैं, और एक बेड में तीन पौधे। हाँ, और उसके बाद इसमें आप दो पाइप, ड्रिप इरिगेशन से इसकी सिंचाई की जाती है। इसमें आप दो पाइप लगा दीजिए, लैटरल पाइप बिछा दीजिए, उसके बाद इसमें तीन प्लांट आप लगा दीजिए। सर, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आप किस वैरायटी का ये पौधा लगा रखे हैं, और अगर प्लांटेशन के लिए मैं बात करूँ, प्लांटेशन के लिए सही समय क्या होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसके अनुकूल आप बताएं। ये मेरा जो वैरायटी है वो इंटरडाउन है। जी, इंटरडाउन वैरायटी है। और इसका सही समय होता है 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच। ये मेरा 28 सितंबर को प्लांटेशन समाप्त हुई है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है, अपने उत्तर प्रदेश में विंटर डाउन, स्वीट चार्ली और कामारोजा और नवेला भी वैरायटियां कई जगह लगाई जा रही हैं। तो सर, एक एकड़ में कोई भी किसान भाई अगर प्लांटेशन करना चाहे तो कितने पौधों की इसकी जरूरत पड़ेगी को एक एकड़ में पूरा उसके प्लांटेशन करें? एक एकड़ प्लांटेशन में आपको 25,000 पौधे लगेंगे पूरे। अच्छा, 25,000 पौधे लगेंगे एक एकड़ में। जी। अब सर अगर मैं बात करूँ सर इरिगेशन के लिए, तो आप देख रहा हूँ जैसे कि ये ड्रिप इरिगेशन टपक सिंचाई है, अगर हम चाहें, अगर किसी किसान भाइयों के पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा नहीं है तो क्या सर इस फार्मिंग को कर सकते हैं, खेती को कर सकते हैं? नहीं, बिना ड्रिप के ये खेती संभव नहीं है, क्योंकि इसमें खाद भी ड्रिप से ही दी जाती है। जी सर। पानी भी इसका ड्रिप से ही होता है इसमें, और बिना ड्रिप के ये खेती संभव नहीं है। अच्छा, मतलब आप जान सकते हैं किसान भाइयों की इसमें ड्रिप इरिगेशन एकदम कम्पल्सरी। वैसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही ड्रिप को लेकर, कि अगर कोई भी किसान भाई अभी इसकी प्लांटेशन कर दिया तो इसकी जो फ्लावरिंग होगी वो सर कितने दिनों में होगी, और क्या फ्लावरिंग वगैरह में इसमें क्या मैनेजमेंट अपने को करना पड़ेगा? देखिए, कुछ मैनेजमेंट के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। इसमें शुरुआती में सबसे पहले कि आप 19-19 दिया जाता है शुरू में इसका ग्रोथ करने के लिए, एनपीके 19-19-19 आता है। हाँ। उसको आप ड्रिप से ही पानी सब दिया जाता है, इसमें ग्रोथ अच्छी होती है। अच्छा सर, मतलब वाटर में जो घुलनशील ऐसे होते हैं, मतलब लिक्विड वाला? हाँ, लिक्विड जो पानी में अच्छी तरह से एनपीके घुल जाती है 19-19, उसी को इसमें ड्रिप द्वारा चलाई जाती है। जी सर।
तो और सर इसकी मतलब फ्लावरिंग आज मान के चले अपनी प्लांटेशन की है, इसकी फ्लावरिंग कब तक हो जाएगा, मतलब कितने दिन बाद इस पे फ्लावरिंग आने स्टार्ट हो जाएंगे? लगभग 21 से 25 दिन बाद फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, लगभग 45 दिन बाद फल टूटना भी शुरू हो जाता है। अच्छा, मतलब 25 दिन में इसकी फ्लावरिंग और 45 से 50 दिन के बीच में इसकी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। हम लोग सबसे पहले तो मल्चिंग के बारे में जानेंगे कि स्ट्रॉबेरी में आपने कितने एमएम का मल्चिंग लगाया है और मल्चिंग के सबसे जो मेन काम होते हैं इस बारे में आप क्या हमारे किसान भाइयों को कहना चाहेंगे? देखिए, स्ट्रॉबेरी में मल्चिंग 25 माइक्रॉन की मैंने लगाया है और मल्चिंग के फायदे ये हैं कि सबसे पहली बात तो घास नहीं निकलेंगे जी। दूसरी सबसे बड़ी फायदा है कि जो भी फल इसमें पकड़ेंगे वो डायरेक्ट मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं जाएगा, तो फल सड़ेगा नहीं, फल पूरी सेफ हो गए। दूसरा, जो इसमें पानी ड्रिप से दी जाएगी वो कम से कम 4 से 5 दिन तक नमी बरकरार इसमें रखेगी। ये मल्चिंग के अपने फायदे होते हैं। सर, आपका एरिया इतना बड़ा है तो कितने बड़े एरिया के लिए कितना मल्चिंग की आवश्यकता पड़ती है, कोई एवरेज इसका माप जो होगा तो वो बताइए सर हमें। देखिए, जो मल्चिंग की वो जो बंडल आती है, तो जैसे एक बंडल आती है लगभग 400 मीटर की, जैसे उसमें आप 450 मीटर तक उसको फैला सकते हैं। जैसे 10 मीटर आप फैलाएं और 10 मीटर 1 मीटर कम से कम उसको खींच के टाइट कर ली जाती है, ऐसे मल्चिंग लगाई जाती है। ऐसे आप करते करते आप आराम से 450 मीटर तक एक बंडल से आप इसका मल्चिंग फैला सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना बड़ा है, उस हिसाब से आप मल्चिंग लगा सकते हैं। सर का पूरा प्लांट है वो बहुत अच्छे तरीके से, पौधे अच्छे तरीके से ग्रो हुए, कहीं कहीं मैंने देखा कि प्लांट भी कहीं कहीं सूखे पड़े हैं, तो मैं इस सिलसिले में यही सर से जानूंगा कि इसमें सर क्या क्या रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं और सर कीटों का कैसे और रोगों का कैसे निवारण करते हैं, तो सर इसमें कौन कौन से कीट? देखिए, जो प्लांट ड्रॉप हुए हैं जहाँ जहाँ सूखे हैं पौधे, इसका मेन मकसद इसमें फंगिसाइड का, या तो जमीन में फंगस पकड़े होंगे या प्लांट के अगल बगल में भी फंगस हो सकती है, इसके चलते ज़्यादा से मतलब प्लांट सूखते हैं। हाँ। तो उसके आप इसका निवारण कर सकते हैं, अगर इसमें फंगिसाइड इसको ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं, ड्रिप से भी दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप फंगिसाइड को बदल के दें। हाँ। लगातार कोई भी फंगिसाइड नहीं देना है, आप इसको फंगिसाइड को बदल के देंगे तो ये बीमारी जल्दी कंट्रोल होती है। तो मतलब क्या नाम है सर कोई ऐसा? जैसे M45 भी आती है। अच्छा। कार्बेंडा जे मैंको जे भी है, रिडोमिल के वो मेटालिक्सिस की कम्बिनेशन दिए हैं। हाँ। सर, तो ये सभी अच्छा इसमें यूज है। ये तो सर फंगिसाइड से रिलेटेड, फंगस से रिलेटेड बात है सर। अब इसमें कोई इंसेक्ट वगैरह लगते हैं? हाँ, मतलब कहीं सुंडी की प्रकोप आती है लेकिन बहुत कम आती है, तो आप कोई भी कीटनाशक एक बार स्प्रे कर दें। और सर इसके कुछ पौधों की चमक के लिए या फिर फल की चमक के लिए ऐसा कुछ है कि आप लोग डालते हैं जिससे कि उसमें चमक आए या फिर पौधा स्वादिष्ट लगे? हाँ, जैसे जब ये अपना टेम्परेचर पाता है। हाँ। जैसे जब टेम्परेचर आता है तो ये ऑटोमेटिक अपना ये उसमें से फल साइज बढ़िया निकलता ही है। उसके लिए जब अगर नहीं निकलते हैं तब स्प्रे की जाती है। अच्छा। ऐसे अगर हेल्दी पौधा आपका होगा तो निकलेगा ही। अब जो इसमें नया स्टेप आया वो टनल का है, पॉली हाउस की तरह से इस टनल को बनाया जा रहा है कि लगाए हैं, इस टनल को लगाने का फायदा क्या है? देखिए, टनल लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे जब टेम्परेचर आपका 15 से नीचे जाए, जब भी चला जाए, जैसे हमारे तरफ नवंबर में ही पर टेम्परेचर नीचे चला गया था 15 से, तो हम लोग टनल लगाने का तैयारी शुरू कर दिए थे। हाँ। उसके बाद ये टनल लगाया कैसे जाता है, आप मार्केट में जाएंगे तो किसी भी एग्रीकल्चर जहाँ पे सामान अच्छा मिलती हो वहाँ पे जाएंगे, उनसे बोलिए कि मुझे लो टनल लगाने वाला वायर चाहिए। हाँ। तो देखिए, लोहे का आप वायर सामने से देख सकते हैं, लोहे का वायर आता है जी। उसके बाद उसमें 6 फीट का पॉलीथीन आती है ऊपर से, इसको ढकने के लिए, कवर करने के लिए। उसको आप क्या करिए, दोनों साइड में इंड पॉइंट, दोनों के बेड के दोनों इंड में लोहे को एक देता है, आधे आधे फीट का रहता है, उसको आप नीचे जमीन में दाब दीजिए दोनों साइड से, और ऊपर से एक प्लास्टिक से लगा दी जाती है। प्लास्टिक लगाने का फायदा ये होता है कि जो भी पॉलीथीन ऊपर से ढकी जाती है दबेगी नहीं, ऊपर से अगर बारिश भी हो जाती है अचानक तो पानी बीच में स्टोर नहीं होगा, वो पानी प्रॉपर तरीके से अपनी नाली में आ जाएगा। सर, और भी कुछ फायदे हैं लो टनल के? बिल्कुल, लो टनल के और ज्यादा फायदे हैं कि जैसे जब वो कवर रहेगा। हाँ। तो इसमें ओस या शीत प्लांट पे डायरेक्ट नहीं गिरेगा, जिससे फंगस फैलने का भी चांस बहुत कम हो जाता है, इसमें स्प्रे भी कम होगा फंगिसाइड। और जो भी जैसे इसका अगर लो टनल लगाते हैं तो जैसे ठंडे में पौधों का ग्रोथ कम हो जाता है या स्लो हो जाता है, तो इसे प्रॉपर अगर इसको लगाते रहिए तो इसको क्या कहा जाता है, ये ग्रोथ होता रहता है, इसमें मतलब इसका स्टॉप नहीं होता है जी। और जब प्लांट हेल्दी हो जाएगा, बढ़िया स्ट्रांग हो जाएगा, तो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत ही जबरदस्त देगा। अब मेरे फील्ड में आप देख सकते हैं, आप दिखाइएगा मेरे सामने से जो भी लोग देख रहे हैं कि कैसे मेरे प्लांट में फ्लावरिंग इस समय हुई है जी।
किसान भाइयों, मैं आपको खुद एक बात बताऊं, सर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइड वाले जो सबसे इनका जो लास्ट वाला बेड है उसमें ये लोटा न लगा है और बाकी सारे बेड में लोटा न लगा है। उसकी बात बताओ तो उसका क्या हुआ, ग्रो भी रुक गया है, रुका नहीं कह सकते लेकिन इसके कंपेयर में ग्रो क्या है, उसका आधा है, ग्रोथ जो है वो उसका आधा हुआ है। फ्लावरिंग भी इसमें कम है, फ्रूटिंग भी बहुत कम है, लेकिन इन सारे जिसमें लो टर्न लगा है कि इसमें फ्लावरिंग के साथ फ्रूटिंग बहुत ज़बरदस्त है। मैं मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन में इसमें इतना तगड़ा प्रोडक्शन होगा कि तुड़ाई कर करके विकास जी थक जाएंगे। और विकास जी एक बात बताइए कि ये जो लो टर्न लगाएंगे वो कितने कितने दूरी के बीच में एक दूसरे की दूरी होगी? देखिए एक दूसरे के बीच में जैसे वायर जो लगाएं, हाँ, आप 5-5 मीटर पे, हाँ, लगाते हैं, जैसे स्टार्टिंग से लेकर अंत तक 5 मीटर के गैप पे एक लगाए, उसके बाद 5 मीटर, फिर से 5 मीटर, ऐसे पूरे फैला दीजिए और ऊपर से ये प्लास्टिक भी जरूर लगाएं। हाँ, प्लास्टिक लगा का जो रस्सी है ऊपर से, हाँ, मतलब लोड टर्नर के टॉप पे लगाने पे ये फायदा होगा कि प्लास्टिक अगर हवा भी चलेगी तो प्लास्टिक गिरेगी नहीं जी। तो ये सब लोड टर्नर लगाने के अपने फायदे हैं। कुछ लोग मुझे मेल कर रहे थे कि हमारे जो हमने जो गमले में जो पौधे लगाए हैं उसकी पत्तियां मुरझा जा रही है और जड़े क्या हो रही है, सूख जा रही है, काले जड़े पड़ जा रही है, तो विकास जी इसका क्या मतलब है? देखिए गमले वाला जो वो सिस्टम है, हाँ, तो जैसे गमले में लगाने पर जैसे 6 इंच का गमला या 10 इंच का जो गमले आते हैं अगर, हाँ, उसमें आप प्लांट लगाते हैं, हाँ, तो उसको प्रॉपर जैसे उसकी न्यूट्रिशन पूरा चाहिए जी। ये स्ट्रॉबेरी ऐसा प्लांट है, इसको जितना देंगे उतना कम है, ये हाईली न्यूट्रिशन ये इसको चाहिए। ऊपर से इसमें पानी बहुत कम चाहिए, बस मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, बस मिट्टी में नमी हो। जैसे जो भी गमले में लगाते हैं हम उसको अगर पानी ज्यादा डाल देंगे तो उसके भी रूट्स क्या होंगे, काले हो जाएंगे, सड़ने लगेंगे, फंगस आ जाएंगे, उसको भी सनलाइट की भी आवश्यकता है। अगर कुछ लोग गमले में लगाएं और अगर घर में लगा दिए हो या सनलाइट उसको प्रॉपर ना मिलेगी तभी प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, मुरझाएगा ही। इसलिए जो गमले में अगर जो लोग लगा रहे हैं तो उसको प्रॉपर सनलाइट की भी पूरी उसको जरूरत है पौधों के लिए। तो सर इसके लिए कोई मतलब स्पेसिफिक कोई फंजीसाइड है जिसको हम दे के इस प्रॉब्लम से अपन निजात पा सके? देखिए अगर कोई गार्डनिंग में अगर लगाया है गमले में तो उसके लिए जैसे एक M45 आती है, हाँ, इंडोफिल की M45 ले लें, हाँ, उससे भी उसके जड़ पे मतलब जैसे 1 लीटर पानी में 3-4 ग्राम घोर के जड़ पे गिरा दें। अब आगे की ओर बढ़ते सर, अभी तक आपकी फील्ड में ये बताइए कोई ऐसी बीमारी की समस्या, वायरस या फिर कोई भी ऐसी बीमारी जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, अगर हमारे कोई भी सामने से जो भी किसान भाई देख रहे हैं वो इस परेशानी से ना उलझे, ऐसे कोई बीमारी आपके फसलों में हुई? देखिए इस समय वर्तमान में हमारे फील्ड में वही जो फंगस वाली बीमारी, हाँ, है वही आती है, लेकिन उसको हम लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं तो सही हो जाती है। हाँ, और भी स्ट्रॉबेरी में माइट की भी समस्या आती है, ब्लाइट भी आती है, जो पीले पत्ते के बाउंड्री पे लाल हो जाता, हाँ, है और पूरा पत्ता लाल पौधा लाल होके पीला होके सूख, हाँ, जैसे स्ट्रॉबेरी में माइट और ब्लाइट की भी समस्या आती है। अभी तक मेरे फार्म में एक भी पौधे में माइट या ब्लाइट की समस्या नहीं आई है, बस फंगस की आती है, उसको ट्रीटमेंट कर दिया जाता है वो फंगस रुक जाता है। जैसे एक किसी प्लांट में अगर फंगस है तो उसके चारों साइड के जितने प्लांट हैं उसमें सब में फंगिसाइड की दवा स्प्रे और ड्रिंचिंग दोनों करा दीजिए, हाँ, ताकि फंगस वहीं पे कंट्रोल हो जाए और अपने पौधों को संक्रमित ना पहुंचे ना हो। किसान भाई तो आज की जानकारी यहीं तक रहेगी और इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग इसके विस्तृत जानकारी में जानेंगे, पूरे पार्ट को एक साथ मिला के और भी विकास जैसे और भी कुछ कुछ इंक्वायरी लेंगे, उसके बारे में अपन डिटेल में जानेंगे। तो जय हिंद, जय किसान।